Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer buy one get one service free. Rush. Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स. इस समय मौजूद है मुंब्रा के एमएम वली कोरोना सेंटर पर. आपको बता दें कि जिस तरह से हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि मुंब्रा के एक मनपा क्लर्क जो है नैनेश भालेरा, वो अपने स्कूटर अपने बाइक पर जो कोरोना के मरीज हैं उन लोगों को जो है यहाँ कोरोना केयर सेंटर में पहुँचा रहा था, जिसको लेकर मुंब्रा शहर में काफ़ी चर्चाएँ तेज थी कि आखिर जो करोड़ों की लागत से जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, आखिर यहाँ पर एम्बुलेंस की सेवा क्यों नहीं उपलब्ध है. एक क्लर्क अपने बाइक पर कोरोना के मरीजों को बिठाकर आखिर अस्पताल क्यों पहुंचा रहा है, जिसके बाद यहाँ के जो गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावाड़ है, जो कलवा मुंब्रा के विधायक हैं, उन्होंने एक एम्बुलेंस जो है यहाँ मनपा कर्मचारियों को दी. हम आपको दिखाएंगे कि ये वो एम्बुलेंस है जो इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से दी गई है. ऑक्सीजन की सुविधा भी इसमें मौजूद है. और आज शमीम खान ने इस एम्बुलेंस की चाबी जो है मनपा के अधिकारी सागर सालुंके, धनंजय गोसावी और जो मनपा का क्लर्क है नरेश भालेराव, उन सभी को जो है इस एम्बुलेंस की चाबी यहां पर दी गई है. और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता अबू अल्तमस फैजी यहां पर आकर जो है एक वीडियो जारी किए थे, तमाम आरोप लगाए थे, उन आरोपों का शमीम खान ने भी जवाब दिया है. और बताया जा रहा है कि सोमवार को 3 बजे से ही इस अस्पताल को चालू कर दिया था. करीब इस अस्पताल में ओटू में 10 मरीज हैं और ऑक्सीजन पर जो है वेंटिलेटर पर 10 मरीज यहां पर भर्ती किए गए हैं. टोटल 20 मरीजों की संख्या बताई जा रही है यहां पर. और जो कोरोना केयर सेंटर है वहां पर करीब जो है 20 से 30 मरीज वहां पर भी भर्ती है. लेकिन जिस तरह से आज यहां पर एम्बुलेंस जो है यहां पर मुहैया कराई गई, उसके बाद मनपा के अधिकारी सागर सालुंके, धनंजय गोसावी और नरेश भालेराव ने भी क्या कुछ कहा है, और आम आदमी पार्टी के नेता अबू अल्तमस फैजी पर शमीम खान ने किस तरह से निशाना साधा है, सुनिए. शमीम भाई, जिस तरह से एम्बुलेंस की किल्लत थी, जो नरेश भालेराव हैं वो अपने बाइक पर जो है कोरोना के मरीजों को जो सिम्टोमेटिक है उनको पहुंचाते थे, अभी एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है. आज ये जो एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है, मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से हमारे शहरवासियों के लिए कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब की जानिब से यह एम्बुलेंस तकरीबन राष्ट्रवादी पार्टी की जानिब से इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट इसको मैनेज करती है. ये 2 साल से यानी गुज़िश्ता साल से जब से कोरोना की महामारी चल रही है, जब से शहर में 2 एम्बुलेंस चलाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था बहुत दिनों से, और कुछ पत्रकार भाई भी मुझे फ़ोन कर रहे थे कि शमीम भाई, नैनेश भालेराव जो ये मेरे सामने ये बच्चा मौजूद है, ये तकरीबन जब से ये कोरोना की महामारी चल रही है जब से लेकर के आज तक इनके पास कोई सुविधा नहीं थी कि ये अगर किसी को आइसोलेशन सेंटर लेके जाना हो तो ये आदमी कैसे लेके जाए. ठीक है, गोसावी साहब ने, सागर सोलंके साहब ने कह दिया, उनको एक काम दे दिया, उनको ऑर्डर दे दिया, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सुविधा नहीं होगी तो किस तरीके से वो लोगों को पहुंचाएंगे सेंटर तक. उसको देखते हुए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने मुझे ये आदेश दिया कि एक एम्बुलेंस हम आज ही, चाबी कहाँ है एम्बुलेंस की, आज ही ये चाबी हम डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब की तरफ से इसको हम सागर साहब और गोसावी साहब के हवाले कर दें. सर लीजिए, ये एम्बुलेंस डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब की तरफ से आज इनको सौंप दी गई है विद ड्राइवर, और जहां पे भी नैनेश को जाना हो वो एम्बुलेंस के साथ जा सकते हैं और पेशेंट को लेकर के आइसोलेशन सेंटर तक उनको पहुंचाएं, इसीलिए ये एम्बुलेंस उनको दी गई है. सेकंड बात यह है कि और एक एम्बुलेंस है हमारे पास मंत्री जी की तरफ से दी गई है, जिसको इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट इसको मैनेज करती है, चलाती है. उस एम्बुलेंस के ज़रिए या कभी इस एम्बुलेंस के ज़रिए भी शहर में अगर किसी को कहीं पे भी कोई परेशानी हो,
कोई हॉस्पिटल जाना चाहे, कहीं किसी को कुछ भी तकलीफ़ हो, तो वो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर अभी हम आपको देते हैं मीडिया के माध्यम से, आप उसको चलाएंगे तो उसमें कॉन्टेक्ट करके आप जो है एम्बुलेंस अपने घर के दरवाजे तक बुला करके आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, आपको जहाँ भी एडमिट होना है, वो एम्बुलेंस आपको लेके जाएगी और उसका कोई चार्ज नहीं होगा। वो मंत्री जितेंद्र रावत साहब की तरफ से वो फ्री ऑफ चार्ज होगा। सागर सालुंगी साहब, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से एम्बुलेंस की किल्लत थी, काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी एम्बुलेंस जो है मंत्री जितेंद्र रावत की तरफ से मुहैया कराई गई है। सालुंगी साहब, ये एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए थी ठाणे मनपा प्रशासन की ओर से, ठीक है, कुछ दिक्कतें हैं, शायद मनपा प्रशासन नहीं कर पाया है, तो ये मंत्री जितेंद्र आवाड़ के आदेश पर उनके जो परिवहन सदस्य हैं शमीम खान जी, उन्होंने कराई है। तो क्या कहेंगे इस पर, इस तरीके की व्यवस्था, हालांकि हेल्थ व्यवस्था तो पूरी लुंज पुंज है, आज पूरे भारत में जो है बड़ा ऑक्सीजन की कमी, हर चीज़ की कमी जो है सामने आई है, तो इस दौरान जो है ये एक पर्यायी व्यवस्था आपको दी गई है, तो इस तरीके के कदम के लिए क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि फिलहाल गए कुछ 20-25 दिन में जो कोरोना के बढ़ते पेशेंट्स हैं, तो अपने यहाँ भी पेशेंट्स मिल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स के कॉल आते हैं, लेकिन एक 3-4 जगह से एक तरह से कॉल आ गए, तो वहाँ पे पूछने के लिए कभी कभी टाइम लगता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी एक जो एम्बुलेंस है वो विद ड्राइवर और सब सोई सुविधाओं के साथ मनपा प्रशासन के पास सुपुर्द कर दी है। वो यहाँ के सभी शहरवासियों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, सबको इसका उपयोग होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और ऐसा कहलत ना, बढ़ता कोरोना का प्रादुर्भाव देख के अभी जैसे आपने कहा कि आरोग्य व्यवस्था थोड़ी लूज हो गई करके, तो ठीक है, आरोग्य व्यवस्था लूज नहीं कह सकते, थोड़ा तान ज़रूर है, तो ये बातें भी आप सभी का जो सहयोग है वैसा सहयोग रहेगा तो हम इससे भी, इस दौर से भी अच्छी तरह से गुजर जाएंगे और आगे सब ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भालेराव, आप क्या कहेंगे? नहीं, बड़ी दिक्कतें थी। हाँ। आप बाइक पर जो है कोरोना मरीजों को पहुंचाया करते थे, काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना किया, लेकिन अब जो है एम्बुलेंस एक दी गई, उसकी जिसकी चाबी भी आप लोगों ने ली है, क्या कहेंगे? जी, एम्बुलेंस मिल गई है तो अभी मुंब्रा वासियों के लिए बहुत बेनिफिट्स हो जाएगा उससे, क्योंकि अपने को थाना से एक वॉर रूम से एम्बुलेंस मंगानी पड़ती थी, उसमें थोड़ा टाइम लगता था और पेशेंट उतना टाइम पेशेंट को घर पे रुकाना पड़ता था या हॉस्पिटल में रुकाना पड़ता था, तो वो टाइम बच जाएगा। अपने पास खुद की एम्बुलेंस हो गई है, मंत्री महोदय का उनके लिए धन्यवाद, उन्होंने जो एम्बुलेंस दी है उससे अपना टाइम बच जाएगा और टाइम पे ही आइसोलेशन सेंटर या फिर कोविड सेंटर में उनको भर्ती करा जाएगा। शमीम खान साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से अभी ये अपने को एम्बुलेंस मुहैया की गई है। शमीम भाई, यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता अबू अल्तमस फैजी भी आए थे, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि अस्पताल नहीं चालू है, फैसिलिटी अभी यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, झूठी बातें मत करें, और जिस तरीके से उनका एक ही मकसद होता है कि जा करके चाहे वो कोविड सेंटर हो, चाहे कोई भी अच्छे काम हो जो हमारे मंत्री जी करते हैं, उसमें जा करके उनका काम है कि उसको ये बता देना कि ये काम नहीं हुआ, ये काम हुआ तो गलत हुआ, ये काम हुआ तो उनके तरीके से नहीं हुआ। क्या करते हैं आप, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, आप क्या करते हैं? आपका सिर्फ यही काम होता है, आप आते हैं लाइव करते हैं, दो लोगों को लेकर आपके साथ में आते हैं, लाइव करते हो, घर जाके सो जाते हैं। अरे आप कभी ये देखे क्या, आप डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के जितने सिपाही हैं, जितने साथी हैं, डॉक्टर शर्मीन कहाँ है? है ना? हाँ। डॉक्टर शर्मीन आकर के ये डॉक्टर के साथ आइए, डॉक्टर इधर आइए, इन डॉक्टर के साथ आकर के वो डिस्कस करते हैं, चाचा यहाँ पे आके खड़े होकर के मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आकर के आप पूछते हो कितने वेंटिलेटर स्टार्ट हुए, कितने बेड लग गए इसके अंदर, आपने झूठ बोल दिया कि हम अंदर गए थे कुछ नहीं है। अरे चाचा, 10
पेशेंट एडमिट है आईसीयू में, वेंटिलेटर पे है, कितने हैं ओटू में? ओटू में हमारे पास 20 है। 20 ओटू में है, और बायपैप पे कितने हैं? बायपैप पे हमारे पास 10 है। 10 है, अरे अल्लाह को डरो चचा, शेरवानी लंबी पहनते हो, बार बार मैं बोलता हूँ कि शर्म करो। वैसे मैंने सुना है जब नई नई बहू आती है ना तो चूड़ी ज़्यादा बजाती है लेकिन काम नहीं करती, तो वही तरीका मुझे लगता है कि लागू उन पे भी होता है जो एक एग्जांपल है। तो आप ऐसी बातें मत करें कि जो चीज़ हमारे शहरवासियों को आपकी सब बातें झूठ लगे। हाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे शहर में चाहे अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन के लिए कौन गया मापे में कंपनी में जाके बैठा? हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब गए। आज अगर किसी को रेमडेसिविर की ज़रूरत लगती है चाहे वो कहीं से भी मंगाते हैं ढूंढ करके, आज कौन दे रहा है हमारे शहर के लोगों को? हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब दे रहे हैं। आज काम पे कौन लगा हुआ है? आज ये एम्बुलेंस की फैसिलिटीज फ्री ऑफ चार्ज चल रही है शहर में, ये कौन कर रहा है? डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब कर रहे हैं। तो चचा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सब जो बातें करते हैं ना, ये आपकी झूठी बातों पे कोई ध्यान नहीं देगा। आपका काम है उंगली उठाना, लेकिन ये वक्त वो नहीं है। ये वक्त वो है कि एक दूसरे के लिए दुआएं करें। कल किसका क्या हो ये कोई नहीं जानता। ये ऐसी बीमारी है, ऐसी महामारी है हमारे बीच में, और इसमें भी आके राजनीति करते हैं आप? इसमें राजनीति करने का वक्त नहीं है। आपका काम है, आप आइए, आकर के सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का काम होना चाहिए आपका, बल्कि आकर के उंगली उठाने का काम आपका नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। गोसावी साहब क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आरोप लग रहा है हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, ये नहीं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसमें मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है, भर्ती है, तो क्या क्या सुविधाएं बहरहाल अभी मनपा ने इसमें उपलब्ध करवाई है? माननीय मंत्री महोदय, आवर सेवन कायद्यानुसार ये हॉस्पिटल चालू करण्याचा निर्णय झाला, त्याच्याबद्दल माननीय आयुक्त साहेबांवर चर्चा झाली मागील आठवड्यामध्ये, आणि ती तयारी करण्यासाठी 4 दिवस झाल्यानंतर आम्ही सांगितलं होतं की सोमवारी हॉस्पिटल चालू होईल, म्हणजे काल सोमवारच होता, आणि काल सोमवारी आपण पहिला पेशंट तिथं घेतला आणि विथ ऑक्सिजन विथ व्हेंटिलेटर विथ ऑक्सिजन उसको आपण लगाया और कल ही आपण ॲडमिट किया पेशंट, और कल ही अपना हॉस्पिटल जो अपने मंत्री महोदय ने जो प्रॉमिस किया था मंडे के दिन हॉस्पिटल वो चालू हो गया। और ये प्रूफ है, ये फोटो देखो, ये फोटो एडमिट जो पेशेंट हो गए ना, अभी अंदर तो आप नहीं जा सकते, मगर मैं निकल के लाया, मैं सवेरे गया था ना अंदर, ये कल के और आज के फोटो है, इसका मतलब हॉस्पिटल हमारा चालू है और पूरा ऑक्सीजन चालू है, वेंटिलेटर चालू है, सब चालू है। तो उनका एक आरोप था डॉक्टर फैजी साहब का कि यहाँ पे जो है 2000, डॉक्टर शर्मिंग जी ने कहा था कि 2000 रेमडेसिविर यहाँ पे अवेलेबल है, तो क्या 2000 रेमडेसिविर यहाँ पे अवेलेबल है सर? वो मेडिकल जो फैसिलिटी है उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो मेडिकल फैसिलिटी का कितना स्टॉक है, क्या दवाई लगती है, आई एम इंजीनियर, मैं उनको स्ट्रक्चर बना के देने का था, इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी का ऑक्सीजन का जो था वो सब पाइप बीप सब चेक करके उनके ताबे में दिए। अभी ये नहीं बोल सकते कि हर एक चीज़ जो 50-60 आइटम है उसमें से कौन सा बैलेंस है कौन सा नहीं है, वो डॉक्टर आपको बता सकेंगे, वो आप उनके पूछेंगे। और है पेशेंट, मेडिसिन भी पूरा हमने लाया जितनी अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी इधर 10 पेशेंट है और उधर 11 पेशेंट है, उनके लिए जितना सफिशेंट है उतना दवाई लाया है। कैसा भी करके अपने को पेशेंट को सुविधा इमीडिएटली दिलाने के लिए, और पेशेंट को बेड नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, मगर ये 3 बार गाड़ी आके 10 टन ऑक्सीजन भरा है। परसों भी गाड़ी आई, कल भी गाड़ी आई, पूरा टैंक फुल करके, और कल 4.5 टन ऑक्सीजन टाके में था तभी हमने हॉस्पिटल चालू कर दिया। सब सुविधा अभी हो गई है, बीच में थोड़ा गैप पड़ गया था, इसके लिए थोड़ा हमको भी वायरिंग का काम, पाइपलाइन का काम, उसको हमको टाइम दी, और पानी भी नहीं तो इसेंशियल चीज़ है, वो देने बगैर अपन काम नहीं कर सकते, मगर हम जो प्रॉमिस किया था हमारे मंत्री महोदय ने वो काम, वो हिसाब से हमने मंडे के दिन 3 बजे पहला पेशेंट लेके हॉस्पिटल चालू कर दिया। 1 घंटा आगे पीछे हो गया, मगर वो डे नहीं क्रॉस किया।